Welcome to Maths Forest, Numerical Analysis Lecture 6. आज जो हम करना चाह रहे हैं वो है ऑपरेटर E के बारे में. और E ऑपरेटर क्या होता है हमारे पास? शिफ्ट ऑपरेटर होता है, जिसकी डेफिनेशन हम पहले कर चुके हैं. आज रिवाइज करेंगे द ऑपरेटर E, फिर इसकी प्रॉपर्टीज करेंगे. तो E ऑपरेटर की डेफिनेशन कर रहे हैं हम. द ऑपरेटर E कॉल्ड द शिफ्ट ऑपरेटर, इसे शिफ्ट ऑपरेटर भी कहते हैं हम, और डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं, और डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर. ओके, तो हमने पहले डिफाइन किया हुआ है शिफ्ट ऑपरेटर को, पर आज फिर से डिफाइन करें क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज करनी है. इज डिफाइंड एज ई एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ओ एक्स प्लस एच. ओके, ये हमने डिफाइन कर दिया. और ई ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई ऑफ ए प्लस एच. वाई हमने पहले डिफाइन कर चुके हैं, वाई इज इक्वल टू एफ ओ पी लास्ट वीडियोज में. अब हम इसकी प्रॉपर्टीज करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटर ई. तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है वो हम अभी डिफाइन कर रही हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि द ऑपरेटर ई इज डिस्ट्रीब्यूटिव. जैसे फर्स्ट फॉरवर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव था, वैसे ई ऑपरेटर भी क्या है हमारे पास? डिस्ट्रीब्यूटिव है. डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है? दैट इज ई एफ ओ एक्स प्लस में जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई ओ एफ एक्स प्लस में ई ओ जी एक्स. ओके, कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया ओवर दोनों फंक्शन के. अब हम इसे प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. इसका प्रूफ देख लेते हैं, जो बहुत ही ज्यादा इजी है. ई ओ एफ एक्स प्लस जी एक्स इज इक्वल टू, अब हमने क्या किया, एफ ओ एक्स प्लस एच प्लस में जी ओ एक्स प्लस एच, क्योंकि ई ने अपना काम कर दिया. अब एफ ओ एक्स प्लस एच किस क्या होता है? ई ओ एफ एक्स प्लस में ई ओ जी एक्स होता है. तो ई था वो क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया. यहाँ पे e f o f प्लस g इज इक्वल टू e f प्लस में e g हो गया हमारे पास. हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसे हम इन जनरल भी कर सकते हैं. कि यहाँ पे तो मेरे पास दो फंक्शन थे f और g, अब हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन लो, मतलब f g h कुछ भी लो, उन सब के ऊपर ये क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. e of f, e of g, e of h एंड सो ऑन, जितने भी लोग हैं उन सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये. ओके, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कर रहे हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? E एंड द कॉन्स्टेंट C, हमने जैसे फर्स्ट फॉरवर्ड में किया था, जैसे E एंड द कॉन्स्टेंट C आर कम्यूटेटिव, कि ये आपस में क्या करेंगे? कम्यूट्स करेंगे. कम्यूट का मतलब E C लिखो चाहे C E लिखो, मतलब दैट इज E C E C F X is equal to C E F X. कि चाहे हम C को अंदर लिख E C करें चाहे C E करें, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. अगर C constant है तो, variable है तो बात नहीं कर रहे, constant की बात करें. E C F X प्रूव कर रहे हैं अब हम. E C F X C F O X plus H C E O F X. बस बहुत इजी प्रूफ था हमारे पास. कि हमने क्या किया, E C F X था, E की डेफिनेशन C F X पे लगाई और काम बन गया. थर्ड क्या है प्रॉपर्टी, कि ऑपरेटर E obeys द, हमारे पास जो ऑपरेटर E होता है ओबे करता है द लॉ ऑफ इंडिसेस. लॉ ऑफ इंडिसेस क्या होता है हमारे पास, जो हम करेंगे आपको इजिली समझ आ जाएगा. लॉ ऑफ इंडिसेस क्या होता है, कि जैसे E की पावर M हो गया हा, और e की पावर n हो गया, फिर एफ एक्स पे अप्लाई करें चाहे e की पावर m प्लस n करके एफ एक्स पे अप्लाई करें, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. इंडिसेस जो ये m और n है, इनकी बात चल रही है. प्रूफ क्या है, बहुत इजी है. हमें पता है, वी नो दैट e ऑफ एफ एक्स किसके इक्वल होता है, एफ ओ एक्स प्लस एच के इक्वल होता है हमारे पास. बस वही काम करना है. तो e की पावर, अब हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, जब हम m और n के साथ काम कर रहे हैं तो हम कंटिन्यूएशन वाला लेते हैं. e square fx किसके इक्वल हो गया, e of fx plus h,
और f ऑफ x प्लस 2h, दो बार ये ऑपरेट हुआ है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. हेयर e स्क्वायर एफ एक्स इंडिकेट्स दैट fx इज ऑपरेटेड, जैसे हमने फर्स्ट फॉरवर्ड किया था वैसे ही, अपॉन बाय e ट्वाइस, कि e के ऊपर, e को हमने दो बार फंक्शन पे क्या किया है, ऑपरेट किया है. बट इट डजंट मीन e क्रॉस e, इसका मतलब ये नहीं है कि e को मैंने दो बार मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब है कि e को मैंने फंक्शन पे दो बार ऑपरेट किया है. इन जनरल अब हमने दो बार देखा तो 2 आया था, तो e की पावर n एफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, f ऑफ x प्लस nh के इक्वल आ जाएगा. तो e n एफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, f ऑफ x प्लस nh पे em लगा दो हमारे पास, तो हमारे पास ये किसके इक्वल आ गया, f ऑफ x प्लस nh प्लस में mh के इक्वल आ गया. और n और m में जो h है वो h हमने कॉमन रख लिया, और हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, f ऑफ x प्लस n प्लस m इंटू h के इक्वल आ जाएगा. ओके तो ये बाहर है, हम ब्रैकेट का काम करें कि स्मॉल ब्रैकेट है इसके अंदर की, n प्लस m इंटू h है. ओके अंडरस्टूड, इजीली समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास. अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हम करेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी. फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव और कॉन्स्टेंट वाली का कंबाइन रिजल्ट है, e ऑफ a एफ एक्स प्लस में b जी एक्स इज इक्वल टू a e एफ एक्स प्लस में b e जी एक्स हो जाएगा हमारे पास. ये बहुत ही ईजी है, जैसे मतलब जो सारा काम वही चल रहा है जो हमने फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस का किया था ऑपरेटर के साथ. तो e a एफ एक्स प्लस में b जी एक्स इज इक्वल टू इस पे a f o x प्लस एच प्लस में b g o x प्लस एच, और ये क्या होता है a e एफ एक्स प्लस में b g x होता है हमारे पास. इजी सा था. नेक्स्ट हमारे पास आता है फिफ्थ प्रॉपर्टी, और फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, ऑपरेटर्स e एंड फर्स्ट फॉरवर्ड डेल्टा आर कॉम्यूटेटिव, कि हमारे पास e और जो डेल्टा होता है फर्स्ट फॉरवर्ड वाला वो क्या करेंगे, कॉम्यूट, मतलब e डेल्टा करो चाहे डेल्टा ही करो बात कोई भी नहीं पड़ेगी. ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका प्रूफ है, प्रूफ काफी इजी है, हमने नॉर्मल शॉर्ट फॉर्म में किया है, थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है. e ऑफ डेल्टा एफ एक्स इज इक्वल टू e ऑफ एफ ओ, जब डेल्टा एफ एक्स लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, e ऑफ एफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ ओ एक्स. अब e डिस्ट्रीब्यूटिव होता है तो हमने इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, f ऑफ x प्लस 2h माइनस f ऑफ x हो गया हमारा, f ऑफ h हो गया हमारे पास. ये क्या होता है, डेल्टा होता है f ऑफ x प्लस h का, और f x प्लस h को हम क्या लिख सकते हैं, e ऑफ f x लिख सकते हैं. तो हमारे पास हो गया कि ये कम्यूट कर गया, e डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा e हो गया हमारे पास, बिल्कुल इजी सा हो गया. ये यहाँ पे हम रीजन लिख रहे हैं कि बिकॉज एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू ई एफ एक्स होते हैं, इसलिए हमने ये डायरेक्टली यूज कर लिया. अब हमारे पास सिक्स प्रॉपर्टी क्या कहती है, सिक्स प्रॉपर्टी कहती है इफ डेल्टा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो देन नाइदर डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, मतलब और नोर एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, कि हमारे पास अब कोई जरूरी नहीं है कि डेल्टा एफ एक्स जीरो आ जाए तो ये दोनों जीरो, मतलब कि इफ डेल्टा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो तो ना डेल्टा जीरो होगा ना एफ एक्स जीरो होगा. क्या हमारे पास एक ऐसा एग्जाम्पल है, डेल्टा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो लेके चलते हैं, एफ एक्स को हमने क्या लिया, कॉन्स्टेंट ले लिया, हमें पता है देयर फोर एफ एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और हमें पता है कॉन्स्टेंट का डेल्टा क्या आता है, जीरो आता है, और डेल्टा कॉन्स्टेंट का जीरो आता है, एफ एक्स कॉन्स्टेंट है ना, तो डेल्टा जीरो है ना एफ एक्स जीरो है, उसके बावजूद भी डेल्टा एफ एक्स क्या आ गया, जीरो आ गया. अब हमारे पास क्या है, रिलेशन हम निकालना चाहते हैं, रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर्स एंड ई, जो हमारे पास ऑपरेटर कौन से, ई फर्स्ट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, तीनों के बीच में रिलेशन निकालना चाहते हैं कि शिफ्ट के बीच में, फॉरवर्ड के बीच में, बैकवर्ड के बीच में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है. तो प्रूव दैट ई इज इक्वल टू वन प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस, कि ये रिलेशन होता है फॉरवर्ड डिफरेंस और ई के बीच का. तो वो हम कैसे करेंगे, बहुत ही इजी सा प्रूफ है, एक साइड लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड प्रूफ कर देंगे. ई ओ
हमें पता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, e ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच होता है हमारे पास। अब डेल्टा एफ एक्स किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स होता है। अब यहाँ पे डेल्टा एफ एक्स इज इक्वल टू प्लस में वो जो वहां माइनस एफ एक्स था उसे इस साइड लेके हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया और एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू पुट कर दी, तो 1 प्लस डेल्टा प्लस 1 एफ एक्स इज इक्वल टू ई एफ एक्स के इक्वल आ गया। ऑपरेटर कंपेयर कर लिए, डेल्टा प्लस 1 सिमिलर टू ई आ गया हमारे पास। ओके, ये क्वेश्चंस शॉर्ट फॉर्म में काफी जगह पूछे जाते हैं, गेट में भी पूछे जाते हैं, नेट में भी बहुत बार पूछ लिए जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत बार पूछे जाते हैं, तो डायरेक्ट याद रखोगे तो काफी अच्छा होगा। अब हम नोट कर लेते हैं, व्हाइल यूजिंग ई सिमिलर टू 1 प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर इट शुड बी कैप्ट इन माइंड दैट 1 इज यूनिटी ऑपरेटर। 1 क्या है हमारे पास, यूनिटी है, ना कि कोई और चीज हम ली है, ये क्या है मेरे पास, यूनिटी है। हेयर इज एन आइडेंटिटी ऑपरेटर के फॉर्म में यूज हुआ है, ना कि एज अ 1 के यूज में यू हुआ, इसे हमने आइडेंटिटी ऑपरेटर यूज किया है। ओके, तो सच दैट 1, अब हमारे पास क्या होगा कि पहले क्या यूज किया हमने, 1 डॉट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो गया, ठीक है, ऑपरेटर को यूज करके दिखाया कि ये काम कैसे किया इस ऑपरेटर ने। सेकेंड हमारे पास जैसे e होता है वैसे e इनवर्स होता है, इनवर्स एफ एक्स किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स माइनस एच के, e माइनस टू एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस टू एच के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली e ऑफ माइनस एन एफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एन एच के इक्वल हो जाएगा हमारे पास। तो ये चीज याद रखना, इनवर्स ऑपरेटर भी सेम काम करता है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज कर रहे प्रूव कर रहे हैं, प्रूव दैट बैकवर्ड सिमिलर टू 1 माइनस E inverse के साथ backward का relation है, वो कैसे है, देखो we know that, हमें पता है we know that delta मतलब backward difference fx is equal to f of x minus f of x minus h, हमने definition लिखी है, f of x minus e inverse f of x, अभी करके आए inverse की definition, तो कैसे किसके equal हो गया backward difference, 1 minus e inverse के equal हो गया। अब हमारे पास है नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रूव दैट बैकवर्ड डिफरेंस सिमिलर टू फॉरवर्ड इनटू इनवर्स। ओके, बैकवर्ड का फॉरवर्ड और इनवर्स के साथ रिलेशन देखते हैं, वी नो दैट बैकवर्ड एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ओफ एक्स माइनस में एफ ओफ एक्स माइनस एच, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, डेल्टा एफ ओफ एक्स माइनस एच के इक्वल होता है, और डेल्टा ये क्या होता है, ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है, तो यहाँ से बैकवर्ड इज इक्वल टू फॉरवर्ड इनटू ई इनवर्स आ गया। यहाँ पे हमारे पास ई शिफ्ट ऑपरेटर की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सारी हमने कर ली है। अब आपको कोई भी नोट्स क्यूरीज और पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए,